भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। दार्जिलिंग के बदनावर में कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद साजिद खान को भाजपा नेता की शिकायत पर बदनावर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पासपोर्ट में तथ्य छिपाने का है आरोप। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर विधायक बौर सिंह शेखावत ने किया विरोध। बदनावर के कांग्रेस नेता एवं पार्षद पति पूर्व पार्षद साजिद खान को बदनावर पुलिस ने पासपोर्ट में आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के आरोप में धारा 420 में किया गिरफ्तार। साजिद खान को पासपोर्ट में तथ्य छिपाने के मामले में गिरफ्तारी पर बदनावर विधायक भौर सिंह शेखावत का कहना है कि पुलिस ने साजिद को गलत अरेस्ट किया है। पासपोर्ट चाहे तत्काल में भी बनाया जाए, उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है और साजिद का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तथ्य छिपाने को लेकर पासपोर्ट कार्यालय में कोई शिकायत नहीं की। इसमें कार्यालय को कार्रवाई करने का अधिकार केवल पासपोर्ट कार्यालय को ही है। इस संबंध में प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। चाहे मामला हाई कोर्ट तक क्यों न पहुंचे, इस संबंध में थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि भाजपा नेता व जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष विवेक पाटीदार द्वारा साजिद खान के खिलाफ पुलिस वेरिफिकेशन में गलत जानकारी देने की शिकायत की थी, उसी को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी मान रही है कि साजिद खान ने जब पासपोर्ट बनाने का आवेदन किया था तब तत्काल वेरिफिकेशन कर दिया गया था। बाद में पासपोर्ट विभाग द्वारा गलत जानकारी देने की जानकारी खान को दी गई थी, वह पासपोर्ट जमा कर लिया है, इसी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। ये पुलिस बदनावर की जो है ये कानून को अपनी जेब में रख करके चल रही है, आज पे पट्टी बांध के चल रही है। आज का इनका जो कृत्य साजिद के लिए इन्होंने किया है, ये घोर देश के संविधान का अपमान है, कानून की अवहेलना है और जनता की आंख में धूल झोंकने का काम पुलिस अधिकारी SDOP हमारे TI साहब और पुलिस प्रशासन ये कर रहा है। पासपोर्ट विभाग से अगर कोई शिकायत आती तो उनको अधिकार है ही FIR करने का। एक प्राइवेट आदमी कोई पाटीदार है उसको उसकी शिकायत पे FIR दर्ज करना और पासपोर्ट सही की चीज़, पासपोर्ट बगैर पुलिस की परमिशन के नहीं बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। और ये यहाँ के TI साहब का इनका ये कहना है कि साहब ये तो इनने तत्काल में बनाया पासपोर्ट। पासपोर्ट चाहे तत्काल में बनाया चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बनाती है उसका प्रोसीजर है, बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के आप पासपोर्ट नहीं बना सकते। और ये पासपोर्ट जो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई थाने पर शिकायत नहीं की है कि इस आदमी ने फ्रॉड किया है। ये जो शिकायत है एक प्राइवेट आदमी की है जिसने पैसे देकर के ये कंप्लेंट लिखाई है और पुलिस प्रशासन में मैं आरोप लगाता हूँ खुलेआम कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके खिलाफ इसमें प्राइवेट मुकदमा चलेगा, हम हाईकोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे इस केस के अंदर। ये अपराध आप बदनावर में जो कर रहे हो, जिनके कहने पर कर रहे हो, सब जनता जानती है। चुनाव में जनता ने इसीलिए परिणाम दिया है और परिणाम से जो लोग नहीं सीखते हैं उनको अपना भविष्य देख लेना चाहिए। क्या मामला है साजिद खान को, किस मामले में थाने लाएगा? आवेदन विवेक पाटीदार निवासी बदनावर के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि साजिद खान जो कि बदनावर के निवासी हैं, इनके द्वारा पासपोर्ट तत्काल में बनाकर वो अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाकर तैयार किया गया था, इस संबंध में कार्रवाई करने बाबत दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र की जांच की, जांच में आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य सही पाए गए। पासपोर्ट कार्यालय से भी जानकारी इस विषय में प्राप्त की गई, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई है कि इनके द्वारा तत्काल में पासपोर्ट बनाया गया और पासपोर्ट में जो दिए जाते हैं धाराएं कि किस प्रकार के आपके खिलाफ अपराध दर्ज होते हैं, क्या धारा में कोई मामला इशारा दी गई, कोई समन्स वर्ण आपके खिलाफ है, उक्त जानकारियों को इन्होंने इनके द्वारा जानबूझ कर छुपा कर मूल्यवान संपत्ति जो भी पासपोर्ट है उसको प्राप्त करके सऊदी अरब विदेश यात्रा करी है। इस संबंध में थाना बदनावर जिला धार में इनके विरुद्ध धारा 420 धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर निर्देशन में लिया। क्या इस दौरान पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? जी, तत्काल में जो कार्रवाई होती है उसमें तत्काल में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। तत्काल में ही वहाँ पे जानकारी जो भी छुपाई गई थी, इस आधार पर इनका पासपोर्ट जारी कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन जब हुआ तो इनके खिलाफ जो निगेटिव टीप यहाँ से श्रीमान SP सर के कार्यालय से उस थाना बदनावर से जो गई थी उसके आधार पर इनका पासपोर्ट निरस्त करके कार्रवाई की गई है और इनका पासपोर्ट वर्तमान में भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया? आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश के चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।